नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आचरण बड़ा होता है या फिर ज्ञान बड़ा होता है। प्रिय दर्शकों, इस संसार में आपने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े महाज्ञानी लोगों को देखा होगा, जो लोग अक्सर ज्ञान की बातें करते रहते हैं। कई लोग तो ऐसे आपने देखे होंगे जो फोकट में ज्ञान फैलते रहते हैं, एक दूसरे को फोकट में अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन उन ज्ञानी लोगों के वहां से चले जाने के बाद वही लोग उन ज्ञानी लोगों की बुराई करते रहते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, गाली गलौज करते हैं और यह भी कहते हैं कि एक ऐसा बंदा है जो फोकट में ज्ञान बांटता रहता है। और कई लोग ज्ञानी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन उस ज्ञान पर खुद कभी भी अमल नहीं करते हैं, खुद उल्टे सीधे काम करते रहेंगे और दूसरे लोगों को ज्ञान देते रहेंगे और अपने आप को ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। दूसरा आता है आचरण। प्रिय दर्शकों, आचरण से लोगों की पहचान होती है, उनके संस्कारों का पता चलता है कि सामने वाले के संस्कार कैसे हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं और अच्छा ज्ञान प्राप्त है, तो प्रिय दर्शकों, आपके आचरण भी बिल्कुल ठीक होंगे। यदि आपके पास आपसे कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो आप उनका मान सम्मान करेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। प्रिय दर्शकों, तो ये होती है आचरण की बात। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सूम प्रवृत्ति के होते हैं, वो लोग यदि ऐसे लोगों के घर उनके कोई निजी रिश्तेदार भी आ जाते हैं तो प्रिय दर्शकों, वो लोग उनसे जल भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरे घर क्यों आया है, पता नहीं क्या काम आया होगा। वो लोग ऐसे होते हैं, नहीं तो उन लोगों का, नहीं उन अपने रिश्तेदारों का, नहीं उनका आदर सत्कार करते हैं। उनके घर पे, उनके दरवाजे पे उनके मेहमान बैठते तक नहीं, और उससे पहले ऐसे व्यक्ति को चिंता हो जाती है कि ये लोग यहाँ से जाएंगे कब। प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों का आचरण बहुत गलत होता है, क्योंकि ऐसे लोगों में नहीं तो कोई संस्कार होता है और नहीं उनका कोई आचरण होता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आचरण बड़ा होता है या फिर ज्ञान बड़ा होता है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक राजा की सभा में एक बहुत बड़ा सम्मानित राज पुरोहित था। वे राज पुरोहित जब राज दरबार में आया करता तो राजा भी अपने सिंहासन से खड़े हो जाया करते थे और खड़े होकर उस राज पुरोहित का स्वागत किया करते थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन राजा ने अपनी सभी सभासद के सामने एक समस्या पूर्ति रखी। वो राजा अपने सभी सभासदों से कहता है, अपने सभी मंत्रियों से कहता है, अपने सभी पुरोहित और आचार्यों से कहता है कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्या तुम लोग बता सकते हो। प्रिय दर्शकों, सभी आचार्य और सभी बड़े बड़े महंत पुरोहित कहते हैं कि महाराज, आपका प्रश्न क्या है, आप जरा बताइए।
हमारे इस दरबार में, आपके इस दरबार में एक से एक विद्वान लोग हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। इसलिए महाराज, जो भी प्रश्न है आप स्पष्ट कीजिए। तब वो राजा कहता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। प्रिय दर्शकों, उस राजा के दरबार में जो राज पुरोहित रहते थे वो बड़े चतुर थे, बड़े दिमागदारी भी थे और साथ में सभी शास्त्रों की उनको अच्छे से जानकारी थी, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए पुरोहित थे। तब वो पुरोहित अपने राजा से कहता है कि महाराज, आपके इस प्रश्न का समाधान के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यदि आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके इन सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तब राजा अपने पुरोहित की इस बात को सुनने के बाद राजा आदेश करते हैं कि ठीक है, तुम्हें जितना समय लेना हो आप ले सकते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटना है, इस प्रश्न का उत्तर साथ में लेके लौटना है। प्रिय दर्शकों, अब इसके बाद कुछ दिन निकल जाते हैं। अब एक दिन राज पुरोहित ने एक प्रयोग किया कि कोषागार से दो मोती चुरा लिए, कि राजा के कोषागार से दो मोती चुरा लेता है। जब राज पुरोहित राजा के कोषागार से मोतियां चुराता है तो उस राज पुरोहित को खदानची की नजर पड़ जाती है और खदानची देख लेता है। खदानची ये देखकर हैरान रह जाता है, सोचने लगता है कि राज पुरोहित और राजा के कोषागार से मोतियां चुरा रहा है। लेकिन वो खदानची इस बात को अपने मन तक रखता है, सोचने लगता है कि यदि मैं राजा को पूरी सच्चाई बताता हूं तो हो सकता है राजा मेरे भी मृत्यु कर दे, इसलिए अब वो चुप हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब दूसरा दिन का समय होता है तो दूसरा दिन भी ऐसा ही हुआ कि राज पुरोहित ने फिर से राजा के कोषागार से रत्न चुरा लिए और बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने जांच करवाना शुरू कर दिया था तथा राज पुरोहित की सच्चाई सामने आई। जब जांच पूरी हुई तो राज पुरोहित की सच्चाई सामने आ गई थी। जब राजा को ये पता चलता है कि उनका राज पुरोहित चोरी कर रहा है तो राजा अब उनका सम्मान देना कम कर देते हैं। अगले दिन जब राज पुरोहित राज दरबार में पहुंचते हैं तो राजा नहीं उनके लिए खड़ा होता है और नहीं उनका सम्मान किया जाता है। राज पुरोहित चुपचाप अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो पुरोहित मनी मन ये सोचने लगता है कि मेरी दवा काम कर रही है। उसके बाद राजा ने उस पुरोहित से पूछा कि आपने मोती रतन चुराए हैं? तो पुरोहित कहता है कि जी हाँ। राजा ने पूछा क्यों? दरअसल मैं आपको दिखाना चाहता था कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान। मेरी राज्य सभा में जो प्रतिष्ठ सम्मान है, इज्जत है, वह आचरण के कारण है या ज्ञान के? तब पुरोहित राजा से कहता है कि महाराज, आपने देखा कि मेरा ज्ञान मेरे पास था, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया, उसमें कोई भी कमी नहीं आई, फिर भी आपने मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, खड़ा होकर मेरा सम्मान नहीं किया, क्योंकि मैं आचरण से गिर गया था, आपकी नजरों से गिर गया था, एक राज पुरोहित से चोर बन गया था, मेरा आचरण गिर गया था, मेरा आचरण गिरा, आपकी बाहें तन गई, मैं समझ गया कि आचरण बड़ा है या ज्ञान। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का भी यही उत्तर होगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमारे आचरण सही रहेंगे, हमारे आचार विचार सही रहेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे आचार विचार सही रहेंगे तो लोग हमें मान सम्मान देते हैं, और जब हमारे आचार विचार सही नहीं रहते, यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारा मान सम्मान गिर जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आचरण बड़ा होता है, आचरण से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और आचरण से ही मान सम्मान मिलता है। इसलिए
जितना हो सके अपने आचरण को सही रखिए ताकि आपको लोगों में मान सम्मान मिल सके। जो लोग अपने आचरण को ठीक नहीं रखते हैं और जो लोग अपने आचार विचारों को ठीक नहीं रखते हैं, प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों को समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए जितना हो सके अपने आचरण को ठीक रखिए, अपने आचार विचारों को ठीक रखिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानियाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।